हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, बीच में बहुत सारा गैप हो गया। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ एंड जावा। सो जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट है द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटिंग। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम आज कर रहे हैं वो है एनालाइजिंग एल्गोरिथम। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो सीक्वेंस जो होती है स्टेप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितनी भी प्रोसेसेस हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जितने भी स्टेप्स इंक्लूड करते हैं, उनकी जो सीक्वेंस होती है उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एल्गोरिथम। द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। मीन्स हाउ मच टाइम इट्स टेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन इट यूजेस एंड अदर। मीन्स हमें कितना टाइम लग रहा है उसको, उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, कितनी कम्प्लेक्सिटी है, मतलब ईजी है या मोर कॉम्प्लेक्स है, और कितने स्टोरेज स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एनालाइजिंग एल्गोरिथम में आता है। द एनालाइसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स इन सॉल्विंग एन एल्गोरिथम, द नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन इट यूजेस और अदर रिसोर्सेज नीड टू एग्जीक्यूट देम। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनालाइजिंग एल्गोरिथम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिथम दो फैक्टर पे बेस्ड है। कौन कौन से हैं वो दो फैक्टर? फर्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी मेन मेमोरी स्पेस, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिथम इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। एक तो कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरे कितनी स्टोरेज लोकेशन वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो सबसे फर्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है गाइस? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन टिल इट्स कॉम्प्लीशन। ठीक है, जितना टाइम हम किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, टू रन इट्स टिल इट्स कम्प्लीशन, जब तक वो कम्प्लीट नहीं हो रहा, जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, उस टाइम तक मीन्स हम कितना टाइम उसको ले रहे हैं सॉल्व करने में, तो वो क्या होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन टिल इट्स कम्प्लीशन। मीन्स उस एल्गोरिथम की कम्प्लीशन तक हम कितनी मेमोरी और स्टोरेज स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये जो है दो मेथड से कैलकुलेट हो सकती है, एक होता है पोस्ट एनालिसिस, एक होता है प्रायर एनालिसिस। तो प्रायर एनालिसिस क्या होता है और पोस्ट एनालिसिस क्या होता है, ये देखेंगे हम पहले। व्हाट इज़ प्रायर एनालिसिस? इन प्रायर एनालिसिस वी डिटरमाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम बाय जस्ट एनालाइजिंग दैट स्टेटमेंट इनसाइड इट रेदर देन रनिंग इट ऑन एन पार्टिकुलर सिस्टम। मीन्स विदाउट रनिंग इट ऑन एन पार्टिकुलर सिस्टम वी जस्ट एज्यूम इट कि इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए तो हमें इतना टाइम लगेगा। मीन्स अप्रोक्सीमेट जो टाइम हम अज्यूम कर रहे हैं, हम अभी गए नहीं हैं, हम पहले ही सोच रहे हैं कि हमें वहाँ तक जाना है तो हमें इतना टाइम लगेगा, रेदर देन गोइंग टू दैट प्लेस। ओके, तो जो हम पहले एज्यूम करते हैं वहाँ जाने के बाद जितना टाइम लग रहा है वो मैच तो नहीं करता ना एग्जैक्ट, वो अप्रोक्सीमेट होता है। तो वो क्या होता है, प्रायर एनालिसिस होता है। और जो पोस्ट एनालिसिस होता है, हमें कहीं जाना है और हम वहाँ चले गए, उसके बाद हमें कितना एग्जैक्ट टाइम लग रहा है वो होता है पोस्ट एनालिसिस में आता है। ठीक है, सो हेयर वी डिटरमाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम आफ्टर रनिंग इट ऑन ए स्पेसिफिक सिस्टम। तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर एनालिसिस। ओके,
सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन प्रायर एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस, जो हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे. सो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है. बाय बाय गाइस, थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड कीप लाइक एंड शेयर द वीडियो.